प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बासंती नवरात्रि व भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की पूरे प्रदेश वासियों को दी बधाई व शुभकामना। कहा, भगवान राम के जन्मोत्सव पर पूरे देश में आयोजित हो रहे कार्यक्रम सभी लोग कर रहे हैं प्रतिभाग। सीएम योगी ने कन्या पूजन कर की मातृ शक्ति की आराधना। वासंतिक नवरात्रि की नवमी तिथि को नौ दुर्गा स्वरूपा कुमारी कन्याओं को मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथों से भोजन परोसकर कन्याओं व बटुकों से करते रहे निरंतर स्नेहिल संवाद। सीएम योगी के जनता दर्शन में पहुंचे 500 से अधिक फरियादी। योगी ने एक एक की सुनी पीड़ा। कहा, किसी के भी इलाज में नहीं होगी पैसे की बाधा। अधिकारियों को दिए निर्देश, सभी प्रार्थना पत्रों पर हो त्वरित कार्यवाही। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का सीएम योगी ने जंगल कौड़िया ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया शुभारंभ। कहा, हर रविवार को प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगेगा मुख्यमंत्री आरोग्य मेला। सभी लोगों को बिना भेदभाव चिकित्सा सेवा का लाभ पहुंचाना है आरोग्य मेले का उद्देश्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में श्री राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम में सोहर गीत के बीच प्रभु श्री राम के बाल रूप को झुलाया पालने में। कहा, प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव हमें उनके आदर्शों व मानवीय चरित्र से जुड़ने और बिना भेदभाव मानवीय गरिमा सुरक्षा व सम्मान के कार्य को करने की प्रदान करता है प्रेरणा। श्री हनुमान मंदिर पुराना गोरखपुर के महंत प्रेमदास जी हुए ब्रह्मलीन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की कामना। चुनाव बीतने के साथ ही गोरखपुर में विकास कार्यों पर निगरानी हुई सख्त। पहल कौन करे वेबसाइट पर लोग बता सकते हैं संबंधित अधिकारी को अपनी समस्या। समस्या का किया जाएगा निस्तारण। एडीएम फाइनेंस ने दी जानकारी। हत्या के प्रयास के आरोप में एक अभियुक्त को शाहपुर पुलिस ने उसके महिला साथी के साथ किया गिरफ्तार। एक अवैध पिस्टल व जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। चौदह अप्रैल को श्री राम जन्मोत्सव पर विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत के द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम के जन जागरूकता के लिए निकाला गया मोटरसाइकिल रैली। लोगों से ज्यादा कार्यक्रम में शामिल होने की गई अपील। दाऊदपुर स्थित काली मंदिर पर रामनवमी का मनाया गया त्योहार। मुख्य पुजारी ने कहा, बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं श्री राम के जन्मोत्सव का त्योहार। और चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि पर रामनवमी के दिन राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के सौजन्य से आयोजित किया गया विशाल भंडारा। हजारों लोगों को कराया गया भोजन।